अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस को हमने पढ़ा था। कुछ वर्सेस, कुछ आयात हमने पढ़े थे और उसके बाद से शुरू करते हैं सूरह अल अनाम आयत नंबर 100, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 9 पे आयत नंबर 102 सूरह अल अनाम। सूरह अल अनाम आयत नंबर 102 बदीउ समावाति वल अर्थ, द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवंस, आसमानों का पैदा करने वाला मतलब अल्लाह ताला, एंड द अर्थ और जमीनों का पैदा करने वाला जो जात है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। तो इस लिहाज से जो साइंटिफिक इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन मीन्स, इवोल्यूशन का मतलब है कि किस तरह टाइम गुजरने के साथ साथ जो लिविंग थिंग्स है या फिर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो वजूद में आ गई, इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन हमें बताता है कि किस तरह ये ज़मीन, आसमान, ये लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें वजूद में आ गई। तो कहते हैं जो पूरा यूनिवर्स था पहले ये एक सॉलिड बॉल की शक्ल में था, पूरी जो कायनात है ये एक गोल बड़ा सा एक गेंद या बॉल की शक्ल में था, फिर उसमें इंटरनल जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, फिर उसमें एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, और यही चीज जमीन और आसमान किस तरह बन गई ये हमें एक्सप्लेन करवाता है बिग बैंग थ्योरी। तो उस बिग बैंग थ्योरी में ये साइंटिफिक इवोल्यूशन है। तो कुरान से भी ये साबित है कि जमीन आसमान किस तरह बन गई, और जमीन और आसमानों को पैदा करने वाला 7 जमीन की लेयर्स हैं, 7 आसमान हैं, तो इन सब चीजों को फिर इनके दरमियान जितनी भी और बहुत सारी चीजें लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको पैदा करने वाला सिर्फ एक ही जात यानी कि अल्लाह ताला है, और वही साइंटिफिक इवोल्यूशन, फिर लिविंग थिंग्स, फिर नॉन लिविंग थिंग्स, हम सब पढ़ते हैं हम साइंस में। द ओरिजिनेटर ऑफ द ह्यूमंस एंड द अर्थ, जमीनों और आसमानों का पैदा करने वाला सिर्फ वो अल्लाह ताला के साथ है। नेक्स्ट सूरह अल रात आयत नंबर 4, वफिल अर्दी तितउन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अनाबिन वज़रउन वनखीलुन सिनवानुन वगैरु सिनवानिन युस्का बिमाइन वाहिद वनुफज़िलु बादहा अला बादिन फिल उकुल इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन या फिलून। इस आयत मुबारक का तर्जुमा ये है, कहते हैं इन एंड इन द अर्थ, जमीन में, आर नाइबरिंग ट्रैक्स, नाइबरिंग का मतलब है एक दूसरे के जो मतलब नाइबर मींस पड़ोस, एक दूसरे के नजदीक क्या है, ट्रैक्स है, रास्ते हैं जिसको हम बरआजम कहते हैं। तो दुनिया में 7 बड़े बड़े बरआजम हैं और वो बरआजम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है प्लेट्स की मदद से। अच्छा, तो जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन, पूरी जो जमीन है इसमें क्या है, नाइबरिंग ट्रैक्स है, एक दूसरे के करीब जो रास्ते हैं, बरआजम के दरमियान जो रास्ते हैं नाइबरिंग ट्रैक्स हैं, फिर इस जमीन में से क्या है, वाइन यार्ड्स है, वो जन्नातिन मिन अनाबिन वाइन यार्ड्स अंगूर के बागात है, एंड प्लफ्ट लैंड्स, प्लफ्ट लैंड्स का मतलब है हल चलाया हुआ जमीन, ऐसा जमीन जिसको फसल काश्त करने के लिए किसान क्या करते हैं, उसमें हल चलाते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, नरम बनाते हैं, तो इस जमीन को हम कहते हैं हल चलाया हुआ जमीन। तो इस जमीन में जो है नाइट्रोजन फैक्ट्स भी हैं, बड़े बड़े जो बरआजम हैं, फिर वाइन यार्ड्स हैं, एंड प्लफ लैंड्स हैं, एंड डेट पॉम्स, फिर इस जमीन में क्या है, डेट पॉम है, डेट मीन्स खजूर, खजूर के बागात हैं, और ये जो डेट या फिर वाइन यार्ड्स है वो लाइक एक दूसरे के मुशाबहत है, मतलब एक जैसे हैं, अनलाइक, और एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। विच आर वाटर्ड विद वन वाटर, वाइन यार्ड्स हैं, खजूर के बागात हैं, तो
तो उसमें वेराइटीज पाई जाती है। वेराइटीज मुख्तलिफ अकसाम किस लिहाज से, रंग के लिहाज से, जायके के लिहाज से, फ्रूट की साइज के लिहाज से, तो लाइक एंड अनलाइक विच आर वॉटर्ड विद वन वाटर। अब नेक्स्ट बात क्या है, जमीन एक जैसी है, सबको एक ही तरह का पानी मिलता है सारे प्लांट्स को, लेकिन फिर जो फ्रूट्स बनाने की जो सलाहियत है वो अलग अलग है। सपोज एक ही जमीन है और एक ही जगह में डेट पाम है, खजूर के बागात है, तो उसमें डिफरेंट जो है वेराइटीज खजूर के हैं, डिफरेंट वाइन यार्ड हैं। उस अल्लाह ताला फरमाता है कि इन सब प्लांट्स को हम क्या करते हैं, वाटर विद वन वाटर, एक ही किस्म का पानी, H2O जिसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें, तो एक ही किस्म का पानी सबको मिलता है, लेकिन फिर उनमें जो फ्रूट्स बनते हैं उनमें वेराइटीज पाई जाती है, एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट्स। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन सारे फ्रूट्स में से फिर कुछ क्या है, बास फ्रूट्स दूसरे के ऊपर सबकत रखते हैं, मीन्स किस लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, जायके के लिहाज से। तो फ्रूट्स जो है वो डिफरेंट बनते हैं, ऑल दो सबको सेम पानी, सेम चीज, सेम सॉइल अवेलेबल है, फिर उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये जो सेल हम पढ़ते हैं, फिर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, तो ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, फिर उसमें सेल के अंदर ऑर्गेनेल का जो नंबर है, ये किसी भी सेल का फंक्शन वो एक्सप्लेन करवाता है। तो हर एक प्लांट में अल्लाह ताला ने नंबर ऑफ ऑर्गेनेल, मतलब सेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल जो है वो उसको उसका नंबर अलग अलग पैदा किया है, तो इसी वजह से फिर उनमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं, तो उनका जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी फिर डिफरेंट होता है। तो सेम प्लांट्स, मतलब सेम जमीन में प्लांट्स हैं, सबको सेम पानी मिलता है, लेकिन उनकी फ्रूट बनाने की जो सलाहियत है वो अलग अलग है। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट्स। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन फ्रूट्स में से कुछ फ्रूट जो है वो बहुत ज्यादा जायकेदार है, टेस्ट के लिहाज से वो दूसरे के ऊपर सबकत लग रखते हैं, जैसे मैंगो है, ग्रेप्स है, डेट, खजूर है, इसके अलावा जो है अदर जो है सपोज प्लम है, इस तरह और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो कुछ लोगों को ज्यादा पसंद होते उनके जायके के लिहाज से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जायके के लिहाज से दूसरे के ऊपर सबकत रखते हैं। लो, फिर अल्लाह फरमाता है, लो बस इस में से जो अल्लाह ने ऊपर बयान किया जिसका जिक्र हुआ, हियर इन वेरली आर पोर्टेंट्स फॉर पीपल हु हैव सेंस। अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन में नाइबरिंग ट्रैक्स का होना, जमीन में वाइनयार्ड्स का होना, प्लॉट लैंड्स का होना, डेट पॉम्स का होना, लाइक एंड अनलाइक का होना, इन सब चीज़ों में अकल रखने वालों के लिए, सेंस रखने वालों के लिए निशानियां हैं। कौन सी निशानियां हैं, कि वो इन चीज़ों में गौर करें, सोच करें, फिक्र करें उनके ऊपर, और फिर क्या करें, वो ये कहें कि इन सब चीज़ों का पैदा करने वाला, सब चीजों के ऊपर नजर रखने वाला, तमाम मामलात को चलाने वाला सिर्फ एक ही जात अल्लाह ताला है, तो फिर उसी एक जात की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इतना अजीम जात जब है, इतनी अजीम सिफात का मालिक है, तो फिर वो इबादत के लायक भी है, तो हमें चाहिए कि हम उसी इबादत करें, अल्लाह ताला की मखलूकात में, कायनात में गौर फिक्र करें, और फिर अल्लाह ताला को एक माबूद माने। अच्छा, नेक्स्ट आयत नंबर 103 सूरे अल अनाम। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, ऐसा है तुम्हारा रब, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह है, खालिक कुल्ले शयइन, जो हर चीज का खालिक है, पैदा करने वाला है, फाबुदू, तो जब इतना अजीम जात है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उसी की इबादत करो, मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ फिर मेरी इबादत करो। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात है, कुछ हमने ऊपर उसका जिक्र हो गया कि अल्लाह ताला
क्या करता है, एक ही किस्म का पानी सब पौधों को देता है, बारिश की शक्ल में पानी आता है, लेकिन फिर उनकी फ्रूट्स बनाने की सलाहियत अलग अलग होती है। तो अब गौर फिक्र की बात है, सोच करने वाली बात है, इस तरह कौन करता है, बेशक ये अल्लाह ही करता है। तो खालिक कुल्ली शयइन फाबुदू, वो हुआ और वही अल्लाह, अल्लाह कुल्ली शयइन हर एक चीज पर वकील, हर एक चीज का क्या करता है, वो केयर करने वाला है, उसका ख्याल रखने वाला है। सच इज अल्लाह, इस तरह है अल्लाह, यूर लॉर्ड जो आपका क्या है, खालिक है, पैदा करने वाला है, लॉर्ड है। देर इज नो गॉड सेव हिम, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीजों का पैदा करने वाला। इस तरह ऊपर आयत में जिक्र हुआ कि द होल यूनिवर्स वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड बॉल, पूरा यूनिवर्स एक सॉलिड बॉल की शक्ल में था, फिर अल्लाह ताला ने उनको अलग अलग किया और फिर उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बन गए, मैटर, एंटी मैटर, ये सब चीजें बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करवाता है कि किस तरह ये दुनिया, ये पूरी कायनात वजूद में आ गई। तो ये अजीम जात अल्लाह ताला ही ने इसको किया है। तो जब इतना अजीम जात है तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, सो वर्शिप है, अल्लाह ताला की इबादत करो। एंड ही टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स, वो सब चीजों का ख्याल रखने वाला है, सब जानदारों को रिजक देने वाला है, सबकी जरूरियात पूरी करने वाला है, सारा निजाम तय चलाने वाला है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे सूरह ताहा आयत नंबर 53, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लजी वो जात, मतलब अल्लाह ताला, जाला लकुम फिल अर्दे, अल्लजी जाला लकुम अल अर्द महदन वसलक लकुम फीहा सुबला वअनजल मिन अस्समाई माअन फअखरजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता। तर्जुमा है इस आयत का, Who had appointed the earth as a bed, अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई, and had dear added roots for you dear in, फिर उस जमीन में अल्लाह ताला ने ट्रेवल करने के लिए रोड्स बनाए, रास्ते बनाए, and had sent down water from the sky, फिर उसी जमीन के ऊपर आसमान से अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, एंड देयर बाय वी हैव ब्रॉट फोर्थ डाइवर्स काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, फिर उसी पानी में से, उसी पानी की वजह से, उसी पानी की मदद से जमीन में मुख्तलिफ अकसाम के अल्लाह ताला ने वेजिटेशन को, मतलब प्लांट्स फ्रूट्स को उस पानी की मदद से पैदा किया। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है क्योंकि इंसान जमीन पर रहते हैं तो जमीन पर ही वो अपनी जरूरियात जमीन ही से पूरी करते हैं, जैसे फूड की जरूरत है, जैसे वाटर की जरूरत है, जैसे शेल्टर, रहने के लिए जगह की जरूरत है, तो वो हम जमीन ही से पूरा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जमीन बिछाई, फिर उन जरूरियात को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, हरकत करता है, चलता है, फिरता है, तो चलने के लिए, जरूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने उसमें रोड्स बनाए, रास्ते बनाए, इन ऑर्डर टू मूव अराउंड, टू सीक फॉर द नीड्स, जरूरियात को तलाश करने के लिए, पूरा करने के लिए। और अल्लाह ताला ने इंसान को फ्रीडम दी है, जहां चाहे अपनी जरूरियात जिस तरह चाहे, जो नॉर्मल जो तरीके हैं अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाए हैं वो अपनी जरूरियात पूरी करता है, जैसे फूड की जरूरत है, वाटर की है, शेल्टर वगैरह की जरूरत है, तो इसी रास्तों में से क्या करता है, वो हरकत करता है, मूव करता है, क्योंकि इंसान जो है हमेशा से जो रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करता है, उसको कंज्यूम करता है, जो जमीन के अंदर मौजूद है, जैसे पानी है या फिर फूड है। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर इंसान कॉन्स्टेंटली इन चीजों को यूज करता है, वेजिटेशन को, पानी को। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, दोबारा उन चीजों को रिप्लेनिश किया, मतलब उसको दोबारा नाजिल किया। अनजल मिन अस्समाई माअन, फिर अल्लाह ताला ने दोबारा आसमान से पानी बरसाया, तो बार बार बारिश होती है, पानी जो है जमीन में पहुंच जाता है और फिर वहां से प्लांट्स लेते हैं, ह्यूमन उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर बारिश होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने जमीन की तरफ जो है आसमान से फिर बारिश बरसाई, क्योंकि इंसान इसको यूज करता है, और फिर
वो पानी दोबारा प्लांट्स लेते हैं। फिर उस पानी की मदद से फाखरज नाला ने इसको क्या किया, पानी की मदद से फाखरज ना निकाला मतलब पैदा किया भी इस पानी में से अजवाजन। अजवाजन का मतलब है वेरिएशन मिन नबातिन शत्ता, वेजिटेशन से जो डाइवर्स काइंड से है, डिफरेंट काइंड के वेजिटेशन फिर इस पानी में से निकलाते हैं। जिस तरह ऊपर आयत में हमने जिक्र किया पेज नंबर 9 में कि एक ही किस्म का पानी सब प्लांट्स को मिलता है लेकिन फिर उनमें जो वेजिटेशन है वो डाइवर्स है, एक ही किस्म में फिर अंदर उनमें और भी मजीद अकसाम होते हैं। अच्छा नेक्स्ट आयत नंबर 30 सूरह अल अंबिया, अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यरल्लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्कन फवतकनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय्या अफला युमिनून। तर्जुमा है इस आयत मुबारक का, हैव नॉट दोज हु डिसबिलीव, कहते हैं वो लोग जो यकीन या अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। डिसबिलीवर्स कौन है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं उनको हम डिसबिलीवर्स, उनको हम डिसबिलीवर्स कहते हैं। नाउ नाउ द ह्यूमंस एंड द अर्थ वर ऑफ वन थिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पूरा यूनिवर्स वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड बॉल, तो ये कुरान से भी वाजे है और ये हमें बिग बैंग थ्योरी भी बताता है कि पूरा जो यूनिवर्स है एक बॉल की शिकल में था, पर तो उसका इंटरनल टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, तो उसकी इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से फिर उसमें धमाका हो गया, तो जितनी भी उसके अंदर चीज थी उस बॉल के अंदर वो जिसको हम कायनात कहते हैं अल्लाह ने उनको अपार्ट किया, एक दूसरे से अलग किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि द होल यूनिवर्स द अर्थ वन ऑफ वन पीस, एक ही पीस सॉलिड बॉल था, देन वी पार्टेड देम, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने उसको एक दूसरे से अलग किया, सात जमीन और फिर सात आसमान उससे बन गई। कैसे बन गई, बिग बैंग थ्योरी में ये मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। एंड वी मेड, जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, एंड वी मेड लिविंग थिंग ऑफ वाटर, फिर हमने जमीन के ऊपर अल्लाह फरमाते हैं लिविंग थिंग्स को पैदा किया तो उनको हमने पानी की मदद से जिंदा किया। विल दे नॉट देन बिलीव, तो क्या इन चीजों को देखने के बाद, इसमें गौर करने के बाद और इन चीजों को समझने के बाद भी जो मुनकरीन है, जो डिसबिलीवर्स है, क्या फिर इसके बाद भी वो यकीन नहीं रखते? तो इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, अल्लाह ताला ने लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को पैदा किया, तो डिसबिलीवर्स जो कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं उनको पता है कि इन सब चीजों का पैदा करने वाला, खालिक करने वाला, जो खालिक है, पैदा करने वाला क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, इन स्पार्स अपनी ताकतों में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, सब चीजों को वो बनाता है, मतलब अल्लाह ने सब चीजों को बनाया है, सब चीजों को चलाता भी वही है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो यकीन नहीं रखते उनको पता है, वो अपनी आंखों से देखते हैं अर्थ हेवंस इसमें मौजूद चीजें सब कुछ वो देखते हैं लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं रखते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कायनात को किस तरह अपार्ट किया, उसमें एक बड़ा धमाका हुआ, फिर जमीन आसमान एक दूसरे से अलग हो गई, दरमियान में अल्लाह ने लेयर ऑफ एयर को पैदा किया, सात जमीन और सात आसमान बन गई, और ये चीज हमें बिग बैंग थ्योरी बताता है। प्लेस इन द एयर इन बिटवीन द अर्थ एंड द लोएस्ट हेवन, जो सबसे निचला, जो सबसे मतलब लास्ट आसमान है जो हमें नजर आता है, उसके दरमियान और जमीन के दरमियान पे अल्लाह ने एयर को पैदा किया और फिर कायनात को एक दूसरे से अलग किया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय्या, फिर उसके बाद बिग बैंग थ्योरी भी यही चीज बताता है कि जब ये पार्टीशन हो गई फिर अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई और फिर जमीन के सरफेस के ऊपर लाइफ की इब्तिदा हो गई।
तो वही बात है कि वजालना मिनल माई कुल शय, हमने पानी की मदद से हर एक चीज को जिंदा किया, मतलब लाइफ की इब्तिदा वाटर से हो गई है। और अगर आप देखिए अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारे साइटोप्लाज्म में हमारी बॉडी के अंदर 70 से लेकर 90% वाटर है। और वाटर की अहमियत का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में 70% जो हिस्सा है वो पानी ही ने कवर किया है। तो इसकी अहमियत का अंदाजा हम क्वांटिटी से ही लगा सकते हैं। अब फला युमिनून, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन सब चीजों को समझने के बाद भी जो डिसबिलीवर्स हैं वो फिर भी यकीन नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि अपनी आंखों से वो सब चीजों को देखते हैं, उनको पता है कि सब चीजें ये जो क्रिएशन है स्टेप बाय स्टेप तमाम निजाम को चलाने वाला सिर्फ एक ही जात अल्लाह ताला है, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके कानों पर, उनके दिमाग पर, उनके दिलों पर क्या किया है, पर्दे डाले हैं, मोहर लगाए हैं, और वो फिर यकीन नहीं रखते। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 14, इंसान की क्रिएशन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस तरह हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं किस तरह एम्ब्रियोज बनते हैं और किस तरह फिर वो नए जानदार में डेवलप होते हैं। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الغلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसानों को अच्छी तरीके से पैदा किया। किस तरह पैदा किया, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। आप जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, उसमें फिर आप क्रिएशन मतलब किस तरह इंसान या फिर किस तरह कोई जानदार बनता है, कौन से स्टेप से, कौन सी चीजों से, कौन सी चेंजेस से पास होकर वो बन जाता है, पैदा होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है देन फैशन्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉट, फिर सबसे पहले पानी का एक ड्रॉप होता है। इंसान किस तरह बनता है, कोई जानदार किस तरह बनता है, तो पहले पानी का एक ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप को अल्लाह ताला कन्वर्ट करता है क्लॉट, क्लॉट मींस ब्लड में, पानी का एक ड्रॉप है उसको अल्लाह ताला कन्वर्ट करता है ब्लड में, फिर उस ब्लड को अल्लाह ताला कन्वर्ट करता है, चेंज करवाता है, देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटिल लंप, अल्लाह ताला फरमाता है फिर हमने उस क्लॉट को किस चीज में कन्वर्ट किया, उसको हमने कन्वर्ट किया एक गोश्त के लोथड़े में, गोश्त के एक्टोप्लाज्म में हमने उसको कन्वर्ट किया। तो इंसान सबसे पहले एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, फिर उस ड्रॉप को अल्लाह ताला ब्लड में कन्वर्ट करता है, फिर उस ब्लड को अल्लाह ताला गोश्त में कन्वर्ट करता है, सिर्फ गोश्त होता है सॉलिड, सॉरी जो सॉफ्ट है, देन फैशन वी द लिटिल लंप, फिर उसी गोश्त को अल्लाह ताला फरमाते हैं हम कन्वर्ट करते हैं, उसको हम फैशन करते हैं, चेंज करते हैं, किस चीज में, बोन्स में, उस गोश्त में बोन्स बनते हैं, फिर देन क्लॉट द बोन्स विद फ्लिश, फिर उस जो बोन्स है बोन्स के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम गोश्त चढ़ा देते हैं, एंड देन प्रोड्यूस इट इज अनदर क्रिएशन, और फिर एक खास टाइम पूरा होने के बाद एक नया क्रिएशन वजूद में आ जाता है, मतलब वो फिर पैदा हो जाता है। तो लिविंग थिंग की क्रिएशन या फिर उनका बन जाना है, जो कि हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस तरह 4-5 स्टेप्स में ये लिविंग थिंग्स पैदा होते हैं। सो ब्लेस बी अल्लाह द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, तो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, जिसने सब चीजों को लिविंग थिंग्स को एक अच्छी तरीके में, अहसन तरीके में पैदा किया। नेक्स्ट आयत, तो ये चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो साइंस बायोलॉजिकल जो स्टडीज है और कुरान है उसका आपस में ये रिलेशन है। नेक्स्ट सूरे अल नहल आयत नंबर 68 और 69, जो एंटोमोलॉजी है उसमें हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, उन इंसेक्ट्स का सारा बिहेवियर पूरी लाइफ हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास इंसेक्ट्स जैसे हनी बीज है, उनको हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वो इंसेक्ट्स है, हनी बीज शहद वो बनाती है,
और शहद किस तरह बनता है, कैसे बनता है, उनके अलग अलग जो जो रंग है, कलर है, उनके फायदे क्या है, हनी बीज किस तरह ये अपने जो उनके जो हाइव्स है वो किस तरह बनाते हैं, उसमें फिर वैक्स और हनी किस तरह बनता है, तो ये हम एंटोमोलॉजी में ये चीजें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हनी बी को मैंने हुक्म दिया शहद बनाने का। तर्जुमा है इस आयत का, एंड दाई लॉर्ड मतलब तुम्हारा राजा, इंस्पायर्ड द बी का मतलब है बी को अल्लाह ताला ने इंस्पायर किया, मतलब उसको हुक्म दिया, चूज द हैबिटेशन, चूज योर हैबिटेशन, हैबिटेशन मीन रहने की जगह, हैबिटेट जिसको हम कहते हैं, अपने लिए घर बनाओ, इन द हिल्स पहाड़ों में, एंड इन द ट्रीज दरख्तों में, एंड इन डेट विच दे टेज, मतलब है पहाड़ों में घर बनाओ, अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया, हनी बीज को कहा पहाड़ों में अपने लिए घर बनाओ, दरख्तों में बनाओ, या उन जगहों में बनाओ जो कि इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने उसको बनाया है, विच देश में इशारा है उन चीजों की, उन जगहों की तरफ जो कि मेड बाय ह्यूमन है, जो इंसान बनाते हैं, उनके इंसानों के घर वगैरह है, तो वहां पर वो अपनी जो हाइव है वो बीज बनाते हैं, देन ईट ऑल ऑफ फ्रूट्स, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि फिर फ्रूट्स में से खाओ, ऑल ऑफ फ्रूट्स जो फ्रूट्स है वो खाए, मतलब उसमें जो रस है, जो जो शुगरी सब्सटेंस है, स्वीटनेस है, वो खाओ, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, एंड फॉलो द वेज ऑफ द लॉर्ड, फिर अपनी जो अपना जो आपका रब है, जो लॉर्ड है, उसके हुक्म को फॉलो करो, शहद बनाओ, उससे अल्लाह ताला उनको ऑर्डर दिया फ्रूट्स में से खाओ, फिर उस फ्रूट को कन्वर्ट करो शहद में, मेक स्मूथ फॉर दी, उनके लिए मतलब लोगों के लिए, इंसानों के लिए शहद बनाओ, स्मूथ है, देयर कम फॉर फ्रॉम देयर बिलीज अ ड्रिंक डाइवर्स ऑफ ह्यूज, फिर वो जो जो हनी बीज फ्रूट्स कहते हैं उस उन फ्रूट्स को वो कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, शहद में वो कन्वर्ट करते हैं, शहद बनाते हैं, और शहद के ऊपर क्या है, डाइवर्स ऑफ ह्यूज है, मुख्तलिफ जो उसकी डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है शहद में, मतलब है रेड है, येलो है, वाइट है, मुख्तलिफ कलर के जो शहद है, अकसाम है, और वो डिपेंड करता है फ्रूट्स के ऊपर कि हनी बीज कौन सा फ्रूट यूज करते, कौन सा फ्रूट को खाते, तो उसी तरीके से फिर वो एक अलग किस्म का शहद वो बनाते हैं, वेयर इन इज हीलिंग फॉर मैनकाइंड, तो उस शहद में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है बीमारियों की, तकरीबन सारी बीमारियों के लिए शिफा है शहद में, अगर अल्लाह चाहे तो किसी भी बीमारी को शहद की वजह से वो ठीक करवाता है, लो और यह हदीस से भी साबित है कि शहद में जो है शिफा है हर एक बीमारी की, लो हियर इन इसमें मतलब हनी बीज का जो कॉम्ब है वो बनना, फ्रूट्स के ऊपर फीड करना, सीधा ये हनी बीज जाते हैं, फिर बिल्कुल स्ट्रेट अपनी हाइट की तरफ आते हैं, ना राइट साइड पे मुड़ते हैं, ना लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं, तो अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको फॉलो करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें से इंडीड इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु रिफ्लेक्ट, इसमें मुनकरीन के लिए जो इनकार करते हैं अल्लाह ताला के निशानात से, अल्लाह ताला के अहकामात से, उसके लिए निशानियां हैं कि किस तरह हनी बीज अल्लाह ताला के जो अहकामात है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो किस तरह फॉलो करते हैं, फसल की रब का सुबुला रब के सुबुला, इसमें इस हिस्से में आयत के इस हिस्से में इशारा है ओबीडियंस की तरफ, के हनी बीज किस तरह फरमानबरदारी के साथ अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं उनको ऑर्डर देता हूँ, तो ये हनी बीज मेरा हुक्म मानते हैं, उस तरीके से वो शहद बनाते हैं, फिर उस शहद में इंसानों के लिए अल्लाह ने शिफा रखा है, तो वो शहद हम यूज करते हैं। अच्छा, तो आज तक पेज नंबर 10 आयत नंबर 68-69 सूरह अल नहल यहाँ तक हमने पढ़ा, अब अगर
इसमें या फिर प्रीवियस में से आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें और फिर बारी बारी अपना क्वेश्चन पूछें। शाबाश। जरा खान सर, ये बारिश का पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये? हाँ सर, जमीन से एवोपरेशन होती है ना, दरियाओं से, नहरों से, नदियों से, समंदरों से, तो वो वेपर्स ऊपर जाकर कंडेंस होते हैं, फिर वो ड्रॉपलेट्स जो है वो बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बिग बैंग थ्योरी से पहले यूनिवर्स नहीं था क्या? था, लेकिन वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक सॉलिड बॉल की शक्ल में, राउंड बॉल की शक्ल में था। जमीन आसमान एक ही पार्ट में था, कंबाइंड शक्ल में था, फिर अल्लाह ने उसको अलग किया एक दूसरे से। किससे अलग किया? अल्लाह ताला फरमाता है जो होल यूनिवर्स था वो सॉलिड बॉल की शक्ल में था, अलग अलग नहीं, फिर उसको अल्लाह ताला ने क्या किया, अपार्ट किया, एक दूसरे से अलग किया। कैसे अलग किया? तो बिग बैंग थ्योरी इसका राज बताता है कि इस पूरी यूनिवर्स में एक बड़ा सा धमाका हुआ, उसमें इंटरनल चेंजेस रिएक्शंस हो रहे थे, तो इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर वो चीज एक दूसरे से अलग हो गई, तो जमीन उसके सात लेयर्स और आसमान सात आसमान वजूद में आ गई। और सर, बायोलॉजी का फर्स्ट फादर कौन था? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? अच्छा, अगर फर्स्ट फादर मेरे ख्याल से अरिस्टोटल था, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी था। सर जरा स्पेल करें। ARISTOTLE अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं, वो फादर ऑफ बायोलॉजी था। फिर इसमें ब्रांचेस हैं, फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वो अलग अलग है, लेकिन अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, इस जो इवोल्यूशन है इसके ऊपर यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, बिग बैंग थ्योरी, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। उमाइजा उमाइजा हयात सर, ये बिग बैंग थ्योरी किसने पेश की थी? बिग बैंग थ्योरी किसने पेश की थी? इसके ऊपर जो मूवी है वो स्टीफन हॉकिंग ने बनाई है, YouTube पे आप सर्च करें स्टीफन हॉकिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई है किसी का क्वेश्चन तो पूछ लें। क्लियर है? स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, नहीं है किसी का क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी वाज इसकी, इसके ऊपर जो मूवी बनी है वो स्टीफन हॉकिंग ने बनाई है, और सबसे पहले इसको किसने पेश की है? तो जॉर्ज लेमाइटर ने इसको पेश की है 1920s में, लेकिन इसके ऊपर जो मुकम्मल डिटेल में मूवी मौजूद है वो स्टीफन हॉकिंग की मूवी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो आप इसको यूट्यूब में देख सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स. अच्छा स्टूडेंट्स आप सुन लें अपने पास होमवर्क आप नोट कर लें. पेज नंबर 4 पे लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी. इसमें बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री 1.3.1 एंड 1.3.2 बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री. ये आज आपका होमवर्क हो गया और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे.